radius of curvature of concave mirror measured by spherometer is given by this equation. The value of L and H are calculated as 4 and 0.065 centimeter. But L is measured by meter scale. So meter scale se measure kiya to 0.1 aur H is measured by spherometer. So isliye 0.001. एक तो इन्होंने नाम भी दे दिए इंस्ट्रूमेंट्स के, उससे भी समझ में आ गया, और आप इधर से भी देख सकते हैं 4.0 तक ही लिखा है तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.1, ये तीन डिजिट आगे तक लिखा है तो इसका लीस्ट काउंट हो गया 0.001, मतलब ये तीन तो यहाँ पे तीन, ठीक है। इस तरह से भी आप जज कर सकते थे, अगर इंस्ट्रूमेंट का केवल नाम दे देता तब उससे भी कर सकते थे। खैर, अब इसको डिफरेंशिएट करना एक समस्या हो रही बच्चों के लिए। बच्चे क्या कर रहे हैं कि इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मान के नीचे स्क्वायर वाला जो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला उससे कर रहे हैं। उससे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉग लेके काम कर रहे हैं, है ना। तो जब आप लॉग ले लोगे इस चीज का, तब आप ये समझो कि आप इस पे लॉग ले रहे हो और फिर इस पे लॉग ले रहे हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा फ्रॉड यही होगा कि इसे इंडिविजुअली ट्रीट किया जा रहा है। लॉग एल स्क्वायर डिवाइड प्लस लॉग 6H ऐसा, प्लस लॉग एच बाय टू ऐसा हम लोग कर दे रहे हैं। आप कहेंगे कि नहीं यार, ये मल्टीप्लिकेशन में यहां तक तो हमें सही लग रहा है, ये प्लस के साथ ये कर दिया गया है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऐसा पार्शियल डिफरेंशिएशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब एक चीज को कांस्टेंट मान, एक चीज को वेरिएबल मानते हैं तो बाकी सबको कांस्टेंट मानते हैं। तो अब ज्यादा डिटेल्स में मत जाइए, आराम से आप करिए, ठीक है। और ये, मतलब ये वाला प्लस और ये वाला प्लस आप मेरी वजह से मान लीजिए, ठीक है। हालांकि आप कहेंगे कि सर ये h by 2 मल्टीप्लाई होता तब भी ये आता, लेकिन मल्टीप्लाई होता तब तो h h कैंसल ही हो जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 टाइम्स log l, अच्छा यहां पे क्या होगा, log 6 अलग हो जाएगा, तो log चलो लिख देते हैं, log 6 प्लस log h, ठीक है, प्लस log h प्लस log 1/2, ठीक है। जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये और ये खत्म हो जाएंगे, है ना। तो dr by r इज इक्वल टू 2 टाइम्स dl by l, ये खत्म, टू सिंगल टाइम्स dh by h, फिर इसकी वजह से एक और बार dh by h, ठीक है ना। अब काम बन जाना चाहिए अपना। आप चाहो तो 2 कॉमन भी ले सकते हो, परसेंटेज एरर निकालना है तो इनटू 100 कर दो दोनों साइड, यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, dl by l प्लस dh by h इनटू 100 कर दो। अब इसका नाम आप दे सकते हो परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ कर्वेचर, मैं केवल रेडियस लिख रहा हूं, ठीक है, एरर इन रेडियस 2 टाइम्स dl, कितना है भाई 0.1, dl यानी ड्राइविंग लाइसेंस, dh कितना है 0.00, तीन तीन बार जीरो ना बन जाए कहीं, अच्छा l क्या है 4.0, h क्या है 0.00 ले 6.5, ठीक है। वैसे तो ये भी कैलकुलेट करना अपने आप में कहानी है, लेकिन ठीक है कर लेंगे बच्चे। 0.025 ये तो आसान है, पॉइंट में गलती अगर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा, 0.015 इंटू 100, अब देख रहे हैं जगह बच पा रही है कि नहीं। तो अब चलो एक स्टेप और लिख देते हैं, 2 इंटू 25 25 40, 0.040 इंटू 100, अब इसे मल्टीप्लाई ये तो कर लोगे यार, 8% आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो इसमें मच यहीं पे हो रही है कि यहां पर डिफरेंशिएट कैसे कर रहे हैं, और आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं
जिनका अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं, वो अपना यहां से यहां सीधा धान पहुंच गए। ठीक है, तो सही चल रहे हैं हम लोग।